नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है अवर निरीक्षक उत्पाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है प्रारंभिक परीक्षा का दे दिया है। तो आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग संतोष मिशन बी ब्लॉक RPS विधि महाविद्यालय के निकट रघुनाथपुर दानापुर पटना, ये जो आयोग का है एड्रेस है, उसका वेबसाइट आप www.bpssc.bis.nic पर जाकर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 02/2018 और निरीक्षक उत्पाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पदों की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो हाँ दोस्तों, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है बिहार सरकार ने दे दिया है। तो मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद की रिक्तियाँ जो थी 126 थी, उसके विरुद्ध 86,595 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 9/6/2019 रविवार को लिया गया था। इसका परीक्षा जो हुआ था 9 जून 2019 को हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहां प्रकाशित किया जा रहा है। देख सकते हैं डाटा, कैंडिडेट का डाटा क्या है। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल की बेल की घंटी को दबा दें। तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर में टोटल कैंडिडेट जो थे 86,595 कैंडिडेट थे, उसमें अब्सेंट रहे 32,403, यानी परीक्षा में 32,403 परीक्षार्थियों ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार टोटल जो एपीएड हुए परीक्षा में वो 54,192 परीक्षार्थी हुए। उसके बाद डाटा डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट, फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर, गलत रोल नंबर भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या 726 थी। डुप्लीकेट अप्लीकेशन फॉर्म प्रजेंट कैंडिडेट उसमें 19 था। डुप्लीकेट अप्लीकेशन फॉर्म ऑब्सेंट कैंडिडेट 43 था। फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर 85 थे। नॉट फिलिंग बुकलेट कोड 62 थे। यूजिंग अनफेयर मीन्स 18 थे। नो सिग्नेचर ऑन OMR पर 26 थे। नो हैंड राइटिंग इन हिंदी में 63 कैंडिडेट ने अपना हैंड राइटिंग हिंदी में नहीं लिखा था। और नो हैंड राइटिंग इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हैंड राइटिंग नहीं लिख करने वाले का संख्या 61 था, जो क्योंकि OMR सीट पर हिंदी और इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए दिया जाता है वो नहीं लिखे थे ये लोग, जिसके कारण उनका ये रिजेक्ट हो गया। नो हैंड राइटिंग आइदर इन इंग्लिश और इंग्लिश, दो कैंडिडेट थे। टोटल जो इस प्रकार से 1105 परीक्षार्थी का रद्द हुआ है OMR सीट। एपीएड कैंडिडेट 1062, ऑप्शन कैंडिडेट 43। अब है टोटल नंबर कैंडिडेट फाउंड फिट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोसेसिंग। टोटल कैंडिडेट एपीएड 54,192। टोटल कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हु अपियरेड, मैंने एक इसका मतलब ये हुआ कि अपियर होने के बाद 1062 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। इस प्रकार से टोटल कैंडिडेट हु रिजल्ट वाज प्रोसेस 53,130 छात्रों का रिजल्ट प्रोसेस में रहा, जिसमें पास मार्क्स जा 30% एंड 30% से अबव लाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 42,078 रहा। उसके बाद फेल 30% से कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11,052 रहा। अब चलते हैं वार्ड फ्रीडम फाइटर सिलेक्शन, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज हैं, जैसे जनरल में मेल 35 फीमेल 2, BC 13 फीमेल 0 है, EBC में मेल 10 हैं और फीमेल 0 है, SC में भी 0 है, फीमेल में भी 0 है, ST में 0 है, फीमेल में भी 0 है। इस पर टोटल 58 जो है फ्रीडम फाइटर्स सिलेक्टेड हुए हैं और 2 फीमेल। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल में 1262 का हुआ है। इनका कट ऑफ क्या रहा, तो कट ऑफ जो है 68.2 रहा और फीमेल का कट ऑफ क्या रहा है 51.9% रहा। BC का कट ऑफ, BC के लड़कों का सिलेक्शन जो हुआ है 290 हुआ है। इनका कट ऑफ 66.3 रहा और फीमेल का कट ऑफ 48 रहा। SC में जो सिलेक्शन हुआ है 430 छात्रों का हुआ है, जिनका कट ऑफ 60.4 रहा और फीमेल का 31.8 रहा। ST में जो सिलेक्शन हुआ है 20 लड़कों को हुआ है, उनका कट ऑफ 61.1 रहा और फीमेल में 0 है। BC ओमेन जो 3% रिजर्व था उसमें 81 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ परसेंटेज नहीं दिया, मेल तो है नहीं, फीमेल का रहा 45.9%। वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर का 60 सिलेक्शन हुआ है।
उनका कट ऑफ नहीं दिया गया। इस प्रकार टोटल 2600 परीक्षार्थियों का सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हुआ है। अब डाटा कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड जनरल जनरल कैटेगरी में 9014 और फीमेल में 764 इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बीसी में 11872 मेल और 609 फीमेल, ईबीसी में 9450 मेल और 188 फीमेल, एससी में 7044 मेल 25 फीमेल, एसटी में 505 मेल 11 फीमेल। इस प्रकार टोटल 37855 मेल और फीमेल 1593 इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। चयनित 2600 अभ्यर्थियों की सूची आप देख सकते हैं आज के दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या प्रभात खबर, न्यूज़पेपर सभी में रिजल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं, एक बार हम स्क्रॉल कर आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है, ये प्रारंभिक पीटी परीक्षा एक्साइज सब इंस्पेक्टर बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो पीटी परीक्षा था, हालांकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम थी इसलिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। तो आप देख सकते हैं, आप अपना रिजल्ट इसमें से मिला सकते हैं, आप स्किप कर रोक कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आप विभाग के वेबसाइट पर भी जाकर रिजल्ट को देख सकते हैं। विभाग के वेबसाइट जो है www.bpssc.bih.nic पर जाकर आप अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है, आप यहाँ से भी मात्र एक पेज में रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट का संख्या काफ़ी कम था। एक्चुअली क्या था कि पदों की संख्या जो था बहुत कम था और कटअप जो है इसलिए हाई चला गया है। तो हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बगल बेल की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनाऊँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले कोई वीडियो जाती है तो मेरे चैनल पर आती है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा चयनाय जो दरोगा का परीक्षा था एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, उसका रिजल्ट आ गया है। तो यदि आप परीक्षा दिए हैं तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।